है। नवरात्रों के पहले दिन माता के मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे हैं, माता के जयकारों की जय घोष भी नजर आई है और उसी के साथ काफी उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जिस तरह की स्थिति इस मंदिर में है वैसे ही तमाम दूसरे मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु मंदिरों में जुटना शुरू हो गए हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और एक उत्साह भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर नजर आ रहा है क्योंकि अब नवरात्रि का आज पहला दिन है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है और लोग भी पूजा पाठ के साथ नवरात्रों की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं फरीदाबाद का, मेरे सहयोगी दीपक गौतम वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आज नवरात्र का पहला दिन है, मंदिरों में के जो श्रद्धालुओं की भीड़, कितने उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, शारदीय नवरात्रों का आज पहला दिन है, आज शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। इस समय मैं फरीदाबाद के वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ। आप देखिए मेरे पीछे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है ये साफ तौर पर मंदिर में पहुँच रही है, अब माँ से अपनी अपनी मनोकामना मानने के लिए पहुँच रही है। ये माता की तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से माँ की पूजा यहाँ पर की जा रही है। नौ दुर्गा की जो नौ देवियाँ हैं वो नौ देवियाँ यहाँ पूरी तरह से सुसज्जित हैं, बाकायदा इनके श्रृंगार करके रखा हुआ है और बीच में माँ दुर्गा की प्रतिमा है। नौ देवियों के साथ साथ नौ ज्योतियाँ यहाँ जलाई गई हैं और यहाँ पर लोगों का लगातार आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग लगातार पहुँच रहे हैं, लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माँ को मनाया जाए और पूरी तरह से माँ को मनाने की कोशिश लोगों की साफ तौर पर नज़र आ रही है। आज शैलपुत्री का दिन है तो शैलपुत्री के दिन क्या होता है, शैलपुत्री को क्यों मनाया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पंडित मौजूद हैं। पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी शैलपुत्री माँ को किस लिए पूजा जाता है, क्या मान्यता है आज के? क्योंकि माँ से हिमालय में हिमालय राज माँ पुत्री कारण का नाम शैलपुत्री पर पड़ा है। कठिन भविष्य जीवन में कठिन परिश्रम के लिए माता रानी को पूजा किया जाती है। इसको माता रानी का सफेद चीज को पसंद होती है माता रानी, इसका दाएं हाथ में त्रिशूल और माँ का जो दिन है ये शैलपुत्री को पूजा इसलिए जाता है कि हिमालय की पुत्री है, इनके साथ कहानी जुड़ी हुई है। शैलपुत्री को सती के रूप में भी जाना जाता है और सती के रूप में इसलिए जाना जाता है कि भगवान शंकर को एक बार यज्ञ किया गया, यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया और उनकी पत्नी थी सती। सती को उस समय बड़ी इच्छा थी अपने माँ के घर जाने की, माँ के घर जाने की जिद की और बाद में जब मान सम्मान नहीं मिला तो एक हवन कुंड के अंदर कूद कर माँ ने जान दे दी और वही माँ बाद में शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई, अगले जन्म में प्रकट हुई और उनके इसीलिए पूजा जाता है, लगातार उनकी इसीलिए पूजा की जाती है। हमारे साथ मंदिर के प्रधान हैं, इनसे पूछते हैं सर मंदिर की क्या मान्यता है मंदिर के बारे में। पहले तो मैं महारानी वैष्णो देवी मंदिर फरीदाबाद तिकोना पार्क की तरफ से पूरे देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नए साल की जो नए नवरात्र आए हैं इसमें सबको घरों में खुशियाँ बनी रहें। ये महारानी का वैष्णो देवी मंदिर, इसमें यहाँ नौ देवियाँ स्थापित हैं और ये नौ देवियाँ जो स्थापित हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ जो इन नौ देवियों के जो ज्योत आज जलाई है, आज ये ज्वाला जी ज्योत आती है हमेशा और ज्वाला जी ज्योत लाने के बाद ये ज्योत जलाते हैं हम। ज्वाला जी से आप ज्योत लाते हैं, मैंने मंदिर में एक खास बात देखी कि आपने एक शयन कक्ष बनाया हुआ है, शयन कक्ष का क्या मकसद है, क्या है शयन कक्ष? मराने के लिए यहाँ पर एक शयन कक्ष है जो रात को शयन आरती होती है 10 बजे, सुबह 4:30 बजे मंदिर खुलता है तो शयन की आरती अपना सुबह की आरती किया जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बिस्तर वगैरह सारा हिला पड़ा होता है, महारानी साक्षात बैठी हुई है और ये आप देखोगे इस मंदिर के अंदर जो नौ देवी स्थापित हैं वो बड़ी महारानी जो मूर्ति है ये एक मुस्लिम परिवार ने इसको स्थापना की थी। आप कह रहे हैं कि माता का रात में जब माता को विश्राम कराया जाता है, जिस कक्ष में उनको सुलाया जाता है, सुबह जब आप मंदिर के पट खोलते हैं, शयन कक्ष के पट खोलते हैं तो वहाँ पूरा सामान इस तरीके से होता है कि उसको जैसे किसी ने यूज़ किया है, चूड़ियाँ वगैरह जो बाकी सामान है वो सब हिले हुए होते हैं, पूरा अस्त व्यस्त होता है, पानी का लोटा होता है वो आधा होता है, हर चीज़ उसमें अस्त व्यस्त होती है। माता की शक्ति का पूरी तरह से प्रमाण बता रहे हैं जगदीश भाटिया, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शयन कक्ष बनाया हुआ है और शयन कक्ष में माता को बाकायदा सुलाया जाता है और सब सुबह उठते जी, हैं लोग दीपक श्रद्धालुओं से भी जानेंगे, दरवाजे खोले जाते हैं तो साफ तौर पर पता चलता है। बिल्कुल दीपक, श्रद्धालु से भी जानेंगे, आज नवरात्रि का पहला दिन है, नौ दिनों तक ही ऐसी पूजा चलने वाली, आज पहले दिन कितने उत्साहित हैं और इसकी शुरुआत करने के लिए क्या क्या तैयारियां आज की है?
श्रद्धालुओं से भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, सर आप बताएं, आप माता रानी के दर्शन करने आए हैं, क्या मांगने वाले हैं आज माँ से? माता रानी से क्या मांगने वाले हैं दर्शन करने? मैं कुछ नहीं मांगने वाला, बस यही चाहता हूँ उसका आशीष मिलता रहे, जिंदगी खुशहाल बनी रहे, अच्छे कर्म करें, यही माता से मांग, कर्म अच्छे करें। हमने देखा कि पिछले कुछ समय ऐसे हालात रहे जी, आप पहुंचे हैं मंदिर, आप बताएं कि माता रानी से क्या मांगा आप? मैंने तो बहुत कुछ मांगा भी था और मुझे बहुत कुछ मिला भी है यहाँ पर आके। मैं यहाँ से 26 साल से आती हूँ, अपनी जो सेवा होती है वो करती हूँ और बाकी जो मांगती वो मिल जाता है मुझे। भाई इसकी यही श्रद्धा है कि यहाँ जो मांगो कोई खाली नहीं गया आज तक, जो मांगो इस दरबार पर मिलता है, माता रानी के दरबार पर मिलता है। कुछ और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, सर आप बताएं, माता रानी के दर्शन करने पहुंचे, क्या मांगा माँ से? माँ से सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, नवरात्रि महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और मैंने जो प्रार्थना हमेशा करता हूँ, सबसे पहले तो ये करता हूँ कि हमारा देश उन्हें विश्व गुरु बने, जैसे पुराने समय में हमारा देश विश्व गुरु था, वैसे महारानी शक्ति दे हम पुणे, भारत हमारा देश पुणे विश्व गुरु बने, दूर सीमा पर बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमेशा सुरक्षित रहें, माँ उनको आशीर्वाद दे, माँ उनको शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे कि वो अपने शौर्य से अपने वीरता से हमेशा शत्रुओं को पराजय करते रहें, और महारानी का आशीर्वाद बना रहे सभी पूरे देशवासियों के साथ, हमारा देश पुनः समृद्ध हो, सोने की चिड़िया बने, जैसे पहले अंग्रेजों के आने से पहले था, मुगलों के आने से पहले था। हम आप देख सकते हैं साफ तौर पर लोग अपनी अपनी मान्यताएं मांग रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के लिए मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश कामयाबी करे, और यही मान्यता लेकर लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लगातार तैयारी की जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं शयन कक्ष जो है, मैं शयन कक्ष आपको दिखाता हूं, जो शयन कक्ष की हम बात कर रहे हैं, जो शयन कक्ष की हम जिक्र कर रहे थे उसकी हम बात दिखाते हैं आपको, कि ये वो शयन कक्ष है जहाँ पर माता रानी का विश्राम कराया जाता है। और इस मंदिर में शाम के समय जब रात होती है, रात को आरती के बाद यहाँ पर माता रानी को सुलाया जाता है, जो मान्यता है सुलाया जाता है। और इसके बाद ये जो सामान आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा श्रृंगार का जो सामान है वो सामान यहाँ नज़र आ रहा है, चाहे चूड़े की बात करें, चाहे मुकुट की बात करें, चाहे सिंदूर की बात करें, चाहे बिंदी की बात करें, लिपस्टिक की बात करें, तो सारी चीज़ें माता के लिए यहाँ रखी जाती हैं और उनको पूरी तरीके से रात के समय पूजा आरती के बाद इन्हें यहाँ सुलाया जाता है। और सुबह जब श्रद्धालु उठते हैं, मंदिर प्रबंधक के लोग जब उठते हैं, तब ये पूरा सामान इस तरीके से होता है जैसे इसे माने इस्तेमाल किया हो, तो ये इस मंदिर की खासियत है। और साफ तौर पर लोगों को यही चीज़ें जो है, यही आस्था जो है, ये लोगों को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। और माता का दिन है, बड़ा पावन दिन है, तो लोग अपनी अपनी बातें कहने के लिए अपनी अपनी मान्यताएँ लेकर मंदिर में पहुँच रहे हैं। और फरीदाबाद के मंदिरों में बिल्कुल उत्साह का माहौल है, आप देखें कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर आप किसी भी मंदिर पर जाइए आपको माहौल यही मिलने वाला है, लोगों की पूजा अर्चना करने वाले लोग आपको मिलने वाले हैं, नजर आने वाला है आपको ये जो तस्वीर है पूजा करते बिल्कुल हुए, ये दीपक ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तो काफी उत्साहित हैं लोग और जाहिर सी बात है कि एक मौका मिला है, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ भी है, लेकिन पिछले दिनों जो है इस तरह का जब कोरोना काल भी रहा है उस वक्त इस तरह की कोई अनुमति नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो था कि क्यों मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद अब लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, तो उस अनुभव को श्रद्धालु अगर शेयर करना चाहें क्या उस पर उनका कहना? जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं, आप ये बताएं कि माता रानी के दर्शन करने आए हैं, एक वक्त ऐसा आया था जब कोरोना के चलते मंदिरों में घुसने की अनुमति नहीं होती थी, अब जब आप घुस रहे हैं तो कैसा लग रहा है? मन अब कुछ अलग ही प्रसन्न होता है, और मैंने पूरे नौ देवी के व्रत रखे हैं, तो आज मैं पहली बार मतलब अपने मंदिर में आया हूँ और मेरा मन इतना प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और बस माता का आशीर्वाद चाहिए। क्या मांगने वाले हैं माँ से? माँ मन में रखना चाहिए वो तो मतलब माँ ने दिया तो सब कुछ है, बाकी मन में ये कहना है कि माँ सबको सुख शांति से रखे, माँ सबको सुख शांति से रखे, ये श्रद्धालु कह रहे हैं। हमारे साथ एक आंटी मौजूद है जो प्रार्थना कर रही है, माँ से कुछ मांग रही है। आंटी आप ये बताएं, मंदिर पहुँचे हैं, क्या मांग रही हैं माँ से? बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन साफ तौर पर आप ये देखें कि लोग पहुंच रहे हैं, लोग पूरी तरह से माँ को मनाने पहुंच रहे हैं, अपने लिए तो जो चाहते हैं वो मांग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए मांगने का प्रोसेस जो है वो जारी है, मांगने का जो सिलसिला है वो जारी है। और क्यों ना हो, माँ के दरबार पर जब कोई भक्त पहुँचता है तो यही आस लेकर पहुँचता है, माँ के दरवाजे पर जब कोई भक्त पहुँचता है तो उसके मन में एक ही आस होती है कि माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। और यहाँ जितने भक्त हैं
वो साफ तौर पर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने माँ से जो मांगा, माँ ने हमेशा उनको वो सब कुछ दिया है, इसीलिए वो चाहते हैं कि माँ हमेशा सबको खुश बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और इसी मनोकामना के साथ मंदिर में पहुंचे हैं श्रद्धालु कि बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ मिल भी गया और आगे भी माँ से इसी तरह की उम्मीद है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।